अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। और देखें आप, ये एनवायरनमेंट कितना मज़े का एनवायरनमेंट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे एक बड़ा स्मूथ सा माहौल था। उन्होंने पहले तो हमारा जो कौमी तराना है वो पढ़ा, और बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी जो भी काम करना था उसकी इब्तिदा जो है उन्होंने कौमी तराने के साथ की। और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ था, बड़ा स्मूथ सा माहौल था, और बड़ा अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे और खुश रखे। अच्छा जी, पहले तो मैं वहाँ पर नहीं था, लुबना को छोड़ के मैं घर आ गया था, क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे। तो बाद में फिर मैं वहाँ पे गया था कुछ देर बाद। तो बाद में उन्होंने यहाँ पे तराने के बाद, यानी कि वहाँ पे अल्लाह ताला की हमद सना बयान की गई थी, तो बड़ा तलावत कुरान पाक हुआ था। उसके बाद जो है वो हमद पड़ी थी, और बहुत अच्छी वॉइस थी। इनके ही कोई वर्कर थे शायद कंपनी के, या के इनके फ्रेंड वगैरह थे। बहुत अच्छी वॉइस थी, उन्होंने अपनी वॉइस में फिर ये हमद सना की। और उसके बाद जो है वो मतलब सबको बताया गया था कि आपने खामोशी के साथ ये बैठ के सुनना है, लेकिन सब जो बैठे हुए थे वो भी काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव लोग थे। किसी ने कोई एक्स्ट्रा वो जैसे शोर करते हैं या वो चीज़ नहीं थी। और मैंने रियल में बहुत इंजॉय किया। वो पीछे आप देख रहे हैं कि डोरे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, असल में ना डोरे कंपनी है, उनका ब्रांड जो है नया उन्होंने लॉन्च किया था हेयर कलर, तो उसके हवाले से उन्होंने जो है ना वो मेन का था, वो पहले विमेन का था, तो अब उन्होंने स्टार्ट किया था मेन का, तो उसकी उन्होंने लॉन्चिंग की थी। तो इस वजह से उन्होंने ना बहुत कम सैलून्स वालों को इनवाइट किया था जी। और डॉली मैडम जो है उनको भी इनवाइट किया यहाँ पे। वो आई तो वैसे काफ़ी लेट ही थी, सब लोग बहुत वेट कर रहे थे, लेकिन ये था कि इंटरटेन करते ही रहे थे दरमियान जी। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके जो ओनर हैं कंपनी के, डोरे कंपनी के ओनर वगैरह, वो सारे यहाँ पे पहुँच गए हैं। काफ़ी वार्म वेलकम किया गया था उनको, और इसके बाद अच्छा उन्होंने इन्वायरमेंट दिया। इसके बाद डॉली मैडम जो है वो भी आने वाली हैं, वो भी अभी आ जाएंगी थोड़ी देर तक। हाँ जी, काफ़ी टाइम लगा दिया था उसने वैसे। और आपको सच बताऊँ, मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है सेलिब्रिटीज़ में, और लेकिन ये है कि आपको पता है आजकल के दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है कि बस मैं अब इस टॉपिक पे बात करूँगी तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, और इसके साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे कि जी डॉली। हालांकि पता किसी को भी मेरे बच्चों को इतना नहीं था, लेकिन बस नाम से वो आशना थे, नाम से वाकिफ़ थे, तो वो बस कह रहे थे डॉली नहीं आना, डॉली नहीं आना, अब डॉली फाइनली आ गई है। और लोगों ने उसको बड़ा अच्छा खड़े होके वेलकम किया है। आपकी तालियों का साथ होना चाहिए। तो बेसिकली ये सरप्राइज था जो मैं रिवील करने वाली थी। डॉली इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, और इनके साथ साथ आप हमारे यहाँ हाथ की तालियां बढ़ेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और स्टेज पे मैं दावत देना चाहती हूँ मिस्टर आगा रियाजुल हसन, चेयरमैन आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, सर प्लीज काइंडली कम ऑन द स्टेज। और इनके साथ साथ मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ मिस्टर आगा अली रजा, डायरेक्टर आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। और इसके साथ साथ मैं दावत देना चाहती हूँ मिस्टर आगा अली रजा अली जैन, मिस्टर शहजाद रजा, और मिस्टर शाहिद को मैं स्टेज पर दावत देना चाहती हूँ, मिस्टर जाहिद इकबाल साहब को मैं दावत देना चाहती हूँ। मिस्टर शाहिद प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपकी तालियों के साथ की बात रिवील को प्रोडक्ट से तो दे सकते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करें। आप सबकी आवाज आनी चाहिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Thank you.
और यहाँ पे ये अपनी प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग कर रहे थे, डॉली से करवा रहे थे, तो तब उन्होंने काफ़ी अच्छा ये इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ था। ये आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये जो चलाते हैं मेरे ख्याल में इसको पता नहीं अनार कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो इनका खाना था। यकीन करें कि मैंने पे करके भी क्लासेस ली हुई हैं, लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा खाना कहीं से नहीं मिला। इन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। इनकी जो वर्कर पास देने के लिए आई थी मुझे, वो कह रही थी कि ये आपको ज़रा डिफरेंट लगेगा। यहाँ पे सॉन्ग भी गाया गया था और इंटरटेन करने के लिए, क्योंकि डॉली जो थी इस वक्त ज़रा बाहर चली गई थी और वो ये चाह रहे थे कि लोग जो हैं वो बोर ना हो वेट करके, तो थोड़ा सा उनको इंटरटेन किया। ये देखें यहाँ पे खाना आपको नज़र आ रहा होगा, ये शादियों से ज़्यादा अच्छा खाना था। आप ये समझ लें अगर यहाँ पे पैसे भी दिए होते तो समझ लें पैसे पूरे हो जाते, लेकिन मैं तो फ्री में गई थी तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।